तो गाइस आज मैं खेल रहा हूँ हमारी सबसे पुरानी सीरीज जो कि है वोल्केनो ब्लो। मैंने आपको कई बार बता दिया था कि इस सीरीज को मैंने एंड कर दिया, लेकिन आज फिर से मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से। बाकी अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी मैं वोल्केनो ब्लो को सही से एंड करूँ तो भाई इस वीडियो पे अगर 20,000 लाइक आ जाते हैं ना तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना भाई, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूँ फिर से। और सही बताऊँ मेरे को कई सारी चीजें तो यहाँ पे पता भी नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है भाई, कहाँ से कुछ तो आवाज आ रही है मुझे सुनाई दे रही। ओ एक मिनट भाई, ये बोनो को मैं जानता हूँ, ये काम करते हैं। अरे रुको रुको, ये नहीं कर रहे काम पता नहीं, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है। खत्म, क्या खत्म, ठीक है ओके भाई शुरुआत करते हैं अपने काम से। और मेरे को नहीं पता भाई इन चीज से मैं क्या काम करता था। ओ यहाँ पर कोबल ग्रेवल, अच्छा ये कुछ बनाता है। ओ हाँ याद है, एक नीचे यहाँ पर हीटर है, वो दो मशीनों को चार्ज कर रहा है, समझ गया। तो ये बना देगा ग्रेवल शायद, हाँ ग्रेवल बनाने की मशीन है। ओके यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, हीटर रखा हुआ है। हीटर चल क्यों नहीं रहा, अच्छा इसमें एनर्जी चाहिए ना, इसमें है क्या, ये तो ऑटोमेटिक हीटर है। और ये क्या, एक्सप्लोजन फर्नेस, ये एक्सप्लोज करता है क्या भाई। अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें डाल के दबाना पड़ता है तो एक्सप्लोज करता है, ठीक है याद आ गया भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ गई। तो कंटिन्यू करते हैं भाई अपनी इस बुक से, मैंने कहाँ पर क्या छोड़ा था। ये 97% चैप्टर वन मैंने कर दिया था और अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है। तो मेरे को एक मैग्नेटिक स्पंज बनाना है अभी, बहुत ईजी है भाई बहुत ईजी है। अरे एल नहीं दबाना, तो ये रहा भाई मैंने पहले से लगा रखा है, ये स्पंज बनाना है मेरे को तगड़े वाला। एक मिनट, हाँ पहले मेरे को स्पंज बनाना है, और स्पंज के लिए चाहिए मेरे को वूल चाहिए, और चाहिए मेरे को एक ग्लू चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं बना नहीं सकता, ये चीज़ें बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ग्लू मिल जाएगा बहुत है, इसके लिए शुगर चाहिए और एक बोन मील चाहिए, कुछ भी चीज़ डाल दो भाई। रुको यार मेरे को चेक करने दो, ये रहा थोड़ा सा सामान, कुछ बोन मील भी है क्या। ओ ग्लू तो है पहले से बना हुआ, चलो काम ईजी, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। देखो दिखा देता हूँ, मेरे को बोन मील चाहिए होगा और शुगर चाहिए होगा, शुगर मिलेगा शुगर केन से। बस करना कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे पानी में डालना होता है दोनों चीज़ें, तो ये बन जाएगा ग्लू, समझ रहे हो। यहाँ का काम ना थोड़ा सा अलग है, पर जो भी है बढ़िया काम है। तो एक चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ चाहिए हमें वूल, वूल बन जाएगी हमारी इससे, और पहले से ही बनी भी रखी है। ठीक है तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर चलते हैं और इसको बना देते हैं, मतलब कि एक स्पंज, ये स्पंज है लेकिन मेरे को मैग्मेटिक स्पंज बनाना है, जिसके लिए एक मैग्मा क्रीम चाहिए। मैग्मा क्रीम मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ ग्लू और ब्लेज पाउडर से, ब्लेज पाउडर शायद से मैंने पिछली बार इकट्ठे करे थे, लेकिन मेरे पास पहले से भी रखे होंगे इतना मुझे पता है, और देखना पड़ेगा कहाँ है इसमें कुछ है, नहीं इसमें भी कुछ नहीं है भाई। सारी चीज़ें नहीं दिखाता ये वाला ऑप्शन, ओह तो है तो सही लेकिन दिखा नहीं रहा था। चलो ठीक है हमारा एक काम हो गया, ये लो भाई एक मैग्मेटिक स्पंज, और हमारा हो गया चैप्टर वन कंप्लीट भाई। ये मैग्मेटिक के नाम से है तो भाई ये मैग्मा को सोख लेगा, इतना मुझे दिख रहा है, लगा के देख लेते हैं। हाँ मैं बता रहा था भाई ये मैग्मा, लेकिन ये नीचे का ये क्या हो गया, अच्छा सोखे जा रहा है। चल भाई तू यहीं रह, मैं छेड़ने वाला हूँ नहीं, ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। और देखो हमारी हरियाली कितनी सारी, अलग अलग तरह की चीज़ें उगा रखी है भाई, मामूली चीज़ नहीं कर रखी भाई मैंने, बहुत सारा काम कर रखा है। ये हमारा हो गया, इस पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, चलो ठीक है हमारा चैप्टर वन कंप्लीट। आते हैं चैप्टर टू पे, तो यहाँ मुझे बनाना है सबसे पहले ये चीज़, ये तो कर दिया था ना भाई, ये मैंने कर रखे है, अब बता तो रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई है जिसकी वजह से ये दिखा रखा है कि मैंने नहीं कर रखा। देखो यहाँ तक पहुँच रहा हूँ मैं, यहाँ तक भी पहुँच रहा हूँ भाई, ये भी कर रखा है, ये भी, ओ भाई ये भी कर रखा है, ये भी सारे कर रखे हैं मैंने, तो मतलब कि चैप्टर टू तो अभी कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं एक बार ये बना लेता हूँ तो। एक नया सीड आया होगा इसमें मरलीना सीड के नाम से, ये मरलीना सीड बनाना है क्या, मरलीना सीड मैंने बना रखा है, बस मेरे को बनाना है एक टाइम मील। टाइम मील के लिए चाहिए गोल्डन चाहिए, और एक ब्लैक बोन मील चाहिए, और एक डी कोड चाहिए। ये डेट कोड मैंने कभी इकट्ठा करा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये मैंने बनाया तो कभी ना कभी तो डेट कोड इकट्ठा करा होगा मैंने। गन पाउडर है नहीं, ये नहीं चाहिए। ये क्या है, चिकन एसेंस वगैरह, ओ ये स्पूनर बनाने में काम आता है। ये क्या है, ये रहा ना डेट कोड है भाई, काम हो गया भाई, एक डेट कोड है, इसको मैं देखूंगा कि कैसे मिलता है और ये बनता कैसे है। ठीक है तो अपने टास्क की तरफ ही आ जाते हैं भाई, मेरे को बनाना है
ब्लैक चाहिए, गोल्डन रूट्स चाहिए। गोल्डन रूट्स मेरी वहाँ ऊपर उग रही है, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाया भी था बीच में। ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखी हुई है, बस यही मुश्किल काम होता है। ये रही एक, मेरे को ब्लैक वाली वो चाहिए होगी, उसको भी ढूंढना पड़ेगा यार। अभी तो रखी थी मैंने यहीं पे आसपास ही थी यार। अरे कहाँ गई बोन मील, बनानी पड़ेगी क्या दोबारा से? कोई नहीं, एक बना लेते हैं। अरे बन ना, चलो बन गई। तो पानी में डालनी ये चीज़, डालनी पानी में ये चीज़, डालनी ये चीज़, इससे बन जाएगी एक चीज़। बन बन गई, ओहो काम हो गया। अरे ये मत खोलना भाई, ये खोल। वो सारे टास्क हो गए शायद से, तो बस एक टास्क रह चुका है यहाँ पर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो गया, 90% कंप्लीट। छोटी मोटी चीज़ें रह गई है भाई, सब पे टिक मार्क लग गए ऑटोमेटिक, क्योंकि भाई मैं कर चुका हूँ ये काम। तो एक ऑटो क्लिक कर बना देते हैं, और एक ये ट्रांसपोर्ट पाइप बना देते हैं। कौन कौन से बनाने हैं, एक तो ये वाला बनाना है और एक ये वाला बनाना है। एक वो बना लेते हैं पहले, रेडस्टोन शायद से ऊपर मिलेगा, या मैंने रेडस्टोन का ढूंढा ही नहीं होगा कुछ। और मेरे पास है तो सही कोबल स्टोन। तो क्या बनाना था मेरे को, डिस्पेंसर बनाना था ना, ये ले डिस्पेंसर। और मैंने जो सोल बना रखी है ना, उसमें काम आएगा भाई। पर एक काम मुझे करना पड़ेगा, वो पहले बंद करना पड़ेगा यार, क्योंकि नीचे ना लावा है और लावा में मरना नहीं है भाई। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, ये भी तो एक जगह ही है। ठीक है, सोल का मैंने, अच्छी बात है कि पहले ही बना दिया। वो पूरा ही खत्म, चलो ठीक है, काम तो हो गया हमारे पास। ऑटो क्लिक कर आ गया है, टास्क हमारा हो गया, इसका रिवॉर्ड कुछ नहीं। और एक टास्क और करना है, 93% हो चुका है, बाकी कुछ बच रहा है। और ये भी बच रहा है भाई, ये बनाने पाइप बनाना, और एक ये नर्शीमेंट जो भी चीज़ है। ओ ये है थोड़ा मुश्किल भाई। ओ ये कौन सा पेड़ उगा रखा मैंने भाई, एक्सएन के नाम से, और इस पर कुछ डायमंड लगे हुए हैं यार। ये अजीब अजीब पेड़ मैंने कब उगा दिए यार, देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। एम्ब्रल्ड उगे हुए हैं ऐसा लग रहा है इस पर। सही है यार, बहुत तरक्की कर रखी है मैंने। चलो अपना काम करते हैं, पहले तो मैं बना देता हूँ ये वाले पाइप, एक पाइप आगे, और ये वाले पाइप, दोनों पाइप आगे भाई। अब बस ये बक्सा बनाना है और मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे भाई, हमारा लेवल 2 का चैप्टर कंप्लीट। ये नरिशर बनाना होगा, नरिशर का काम अभी देख लेते हैं क्या करता है ये। आसपास की जो क्रॉप्स होती है ना, उसको बड़ा करेगा बहुत जल्दी, समझ रहे हो। मैं यहाँ आसपास लगा दूंगा, यहाँ सेंटर में, तो आसपास सब कुछ ये बढ़िया कर देगा, तो उस चीज़ के लिए होता है। लेकिन इसके लिए चाहिए मेरे को टफ ब्लॉक चाहिए, ये बनाना इजी है। नेदर चाहिए और एक शार्ड प्योर टफ ब्लॉक शायद से मैंने बना रखे हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये लगा रखे हैं ना मैंने यहाँ पे ग्रास ब्लॉक, तो है भाई कुछ जुगाड़। नहीं होगा तो मैं बना लेता हूँ यार, अभी ये ले लेते हैं। एक इसमें शार्ड चाहिए लाइफ का, ये प्योर का ही चाहिए था शायद, या लाइफ का चाहिए था, देख लेंगे अभी। अभी देख लेते हैं बन जाएगा कि नहीं। यार बन जाएगा, यही तो चाहिए। ये लो भाई, ये टर्फ ब्लॉक है, टफ नहीं है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए एक ये मशीन केस चाहिए होगा, जिसके लिए चाहिए ये असूल की इनगट। ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है भाई, ये कहाँ से लाऊंगा मैं। वो है, थोड़ा सा है, रेसिपी है भाई। ये असूल का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जिसके लिए रो असूल का ये चाहिए होगा। अब मेरे को ये याद आ रहा है, ये मैंने बना रखा है भाई, ये भी मैंने कर रखा है, क्योंकि ये जो चार चार मशीनें लगा रखी है ना मैंने, इसीलिए लगा रखी है। ठीक है, इससे बन जाएगा ये रो, तीन बनेंगे। चलो भाई काम और ज़्यादा इजी, हम सुखा देंगे इसको यहाँ पे ऐसे करके। तू ना गलत लगाया भाई, इधर आ जा, तो ये सूख जाएंगे, सूखने के बाद ये वो बन जाएंगे, और तीसरी चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी भाई। अब चीज़ चाहिए हमें नैदर क्वेड्स, नैदर क्वेड्स, बाकी ये ग्राइंडर से बनता है, जो कि क्वेड जोर ही चाहिए, इसके लिए भी क्वेड जोर चाहिए, यहाँ पर भी क्वेड जोर है, हमें नैदर क्वेड जोर, ये रोशनी का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलता है, चार्ज लाइट कलेक्टर से, राइट क्लिक के लाइट कलेक्टर, तो लाइट कलेक्टर होगा कुछ, हाँ लाइट कलेक्टर है तो सही। ये क्या है, ये नहीं है लाइट कलेक्टर, ये है लाइट कलेक्टर। काश ये चीज़ें मेरे पास होती पहले ही। क्या चाहिए लाइट कलेक्टर के लिए, चार शार्ट चाहिए और वाइट, ये चलो जो जो चीज़ें। अरे वाइट शार्ट किधर है, वाइट शार्ट नहीं है हमारे पास। इसके लिए पहले तो ये बनाना पड़ेगा, ये वाला स्टोन, ये बनता है इस वाले स्टोन से, ठीक है। और ये स्टोन कैसे बनेगा, और ये बनेगा इससे, इस वाले इससे, ठीक है, समझ गया, समझ गया भाई। अब यूज़ हो रही है चीज़ें, ये वाला चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी करते, क्राफ्टिंग टेबल कहाँ रखता हूँ मैं भाई, 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 भाई
बन जाएगा, इजी है थोड़ा सा तो। शायद से एक से ही काम बन सकता है, ये 8 हो गए और इनको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा नीचे, काम मेरा हो जाएगा इजी। मेरे वो कहाँ रहते हैं भाई, बोरे। तो यहाँ ऊपर की साइड अगर इन्हें पकाने के डाल दो, और इन्हें पकाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं मेलन। चलो ठीक है, जो भी है अच्छी बात है। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई, दूसरी चीज़ हमारे पास है, बस एक तीसरी चीज़ नहीं है जो कि है बोन माइट। ये बोन माइट बनती है क्रशिंग रेसिपी से, जिसके लिए चाहिए क्रिस्टल, और क्रिस्टल बनता है क्रिस्टल ब्लॉक से। हम निकालेंगे भाई क्रिस्टल, देखो ये रे क्रिस्टल हमारे पास है, ये निकालेंगे भाई। अब क्रशर पे हमें कैसे काम करना है ये मुझे नहीं पता भाई, अभी मैं भूल गया। चल क्रश हो, नहीं तो क्रशिंग रेसिपी, ये क्रश कैसे करेगा भाई, ये क्रश को यहाँ लगाना पड़ेगा क्या? समझ गया क्रश कैसे काम करता था। तो नूकिनो मैं सामने डाल देता हूँ ऐसे करके, और ये ऐसे करके डाल देता हूँ, तो क्रश हो जाएंगे। और बन गया भाई क्रिस्टल, अलग अलग टाइप के निकल गए, बस वाइट चाहिए होंगे मेरे को 4, और इनमें से वाइट एक भी नहीं निकला भाई। ओहो तो ये दिक्कत है क्या। चलो भाई 63 से बना के देखते हैं, अगर एक भी निकल जाए, 4 निकल जाए बस काम मेरा हो जाए इजी। और एक क्रिस्टल का यहाँ, ओके वाइट भी आ गया भाई मेरे पास, देखो 6 वाइट आ गए। तो हमारी असूल का ये कुछ हुआ नहीं, अभी भी पक रहा है। क्रिस्टल भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब क्या चीज़ मैं बना सकता हूँ, एक एनर्जी का बनाना था ना, हाँ ये वाला। इसके लिए स्टोन चाहिए जो कि नीचे पक रहे हैं, तो ये बनाएंगे एक एनर्जी कलेक्टर जो कि एनर्जी कलेक्ट करेगा। इस पर राइट क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही एनर्जी देगा। इसको कहीं लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, देखते हैं कि एनर्जी कलेक्ट करेगा। ये तोड़ फोड़ मत दियो बस कुछ चीज़। लाइट कलेक्टर के नीचे ऊपर कुछ हुआ, ये कुछ चमक रहा है भाई, तो इस पर राइट क्लिक करना होगा। समझ गया, ये ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही धीरे धीरे काम करेगा। ये लेफ्ट क्लिक से तो नहीं है, ओ देखो चमका चमकता जा रहा है। अरे हो जाना यार, ओ तोड़ने से ही हो गया। अरे यार ये पहले बताता ना तोड़ने, राइट क्लिक बता रखा भाई। ये बोलो ना इसे लेफ्ट क्लिक से तोड़ना है जब ये फिल हो जाए। छी, ओ नेदर क्वेड्स रह गया बस। अब नेदर क्वेड्स के लिए देख लेते हैं, इसके लिए देखो दो तरीके, एक तो ये क्वेड्स और बनाना, ये रहा थोड़ा सा जुगाड़, मिला। हीट कोर रेसिपी से मैं कर सकता हूँ कुछ जुगाड़, अगर मैं यहाँ पर स्नो रख देता हूँ, या वो सही है, अगर मैं हीट कोर को स्नो के ऊपर रख देता हूँ तो मैं क्वेड्स निकाल सकता हूँ। तो मुझे याद है पिछली बार मैंने ये स्नो तो बना ली थी, अब ये वापस से बनाता रहेगा, शायद इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, खुद बनाता रहता है स्नो। एक मिनट, मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है, मेरे को हीट ब्लॉक बनाना है भाई। हीट ब्लॉक तो शायद मैं पिछली बार भी बनाए थे, मेरे को ध्यान रखना चाहिए भाई, सामान होना चाहिए मेरे पास हीट ब्लॉक का। ठीक है टेराकोटा है, टेराकोटा की जरूरत पड़ेगी हीट ब्लॉक बनाने के लिए। वो ये रहना हीट ब्लॉक भाई, मैं वही तो सोच रहा था। देखो हीट ब्लॉक बनानी इजी है, इसके लिए ब्रिक चाहिए, नेदर क्वेड चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ बस। अब बस मेरे को इसको ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा, सिंपल भाई। ये लो हीट ब्लॉक हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा तो मैं इस पर, मुझे हीट ब्लॉक एक क्वेड्स मारना पड़ेगा, मतलब शार्ड मारना पड़ेगा स्नो ब्लॉक पे रख के। समझ गया भाई, ओहो दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये चाहिए, इसके ऊपर ये लगाना और इसमें ये डाल देना, तो ये बनाएगा भाई क्वेड्स। हाँ ये टाइम लेगा मुझे पता है, ये थोड़ा सा बस अजीब होता है, ये टाइम लेगा, बना देगा ये। ये बस थोड़ा सा नखरीला होता है। इसके नीचे एक मशीन लगती है, याद आया, ये वाली मशीन जो इसको रोक के रखती है, लाइट कोर स्टेबलाइजर लगता है, तो इसको रोक के रखेगा भाई। ये लगा देते हैं इसके नीचे ताकि भाई ये बाहर ना निकले। ठीक है अभी ये कम निकलेगा, अब ये रोक के रखेगा इसको। बहुत दिमाग भाई, याद आ रहा है चीज़ें। तो अब देखो थोड़ा सा रोक के रख रहा है, तब तक ये इस पर काम करता रहेगा, मुझे बार बार करना पड़ेगा यार। बन जा भाई एक क्वेड्स का ब्लॉक, बन जा, काम हो जाएगा। ओ बन गया, अरे हो गया काम भाई, क्वेड्स का ब्लॉक बन गया और इससे बन जाएगी क्वेड्स। हैं क्वेड्स कैसे बनेगी, क्वेड्स कैसे बनेगी, यूज़ बताओ भाई इसके। क्वेड्स के लिए मेरे को रोटरी ग्राइंडर में डालना पड़ेगा। ओहो तो रोटरी ग्राइंडर, ये रहा रोटरी ग्राइंडर, तो इसके अंदर डाल देंगे तो क्वेड्स से बन जाएंगे, क्वेड्स के वो चीज़ जो शार्ड वार्ड है, उसके बाद फिर बाकी का काम हो जाएगा इजी भाई। अब तो इजी लग रहा है। और मैंने कुछ आइटम और फ्लूड के पाइप भी बनाए जिनका भी कोई यूज़ नहीं है,
क्योंकि मैं ना अभी ऑटोमेटिक कुछ करना चाहता नहीं हूँ, मैं इसको करूँगा लेकिन बाद में। चलो ये आ गए 4 और इसको डालना पड़ेगा मेरे को ये वाला रीअसेंबलर की मशीन में। तो रीअसेंबलर कौन सी है इनमें से? भाई यहाँ तो कोल डलेगा ना शायद। मैं ऑफलाइन ना थोड़ी बहुत चीज़ों पे ग्राइंड करूँगा पर अभी नहीं। चलो ये पकने देते हैं, ये बन जाएगा थोड़ी देर में वो चीज़। और ये ऊपर भी लेके जाते हैं सामान, वो सारे चार्ज हो गए एक साथ ही। यहाँ क्या बन रहा था? अच्छा सर्किट बनाने में काम आता है। और इसको एनर्जी कम मिल रही है क्योंकि ऊपर जा चुकी है ना, तो हम ऊपर से तोड़ देंगे ना एक, हम लेने नहीं देंगे एनर्जी। अब तो जा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। चल भाई प्लीज़ बन जा टेम्परेचर। ओ ये तो ख़त्म हो रहा है भाई, प्लीज़ 3 बना दे, मेरा काम हो जाएगा। ये मुझे पहले से तोड़ के रखना चाहिए था इन चीज़ों को, तो काम मेरा इजी हो जाता। ओ चलो बन रहा है, टेम्परेचर लेके नीचे गया एकदम से। ये लो 2 क्वेड्स। क्वेड्स बनाने बहुत मुश्किल है भाई, नेदर में होके भी क्वेड्स नहीं बना पा रहा हूँ मैं। चलो भाई 3 क्वेड्स हो चुके हैं, बस अब इस मशीन को ना वापस ऊपर रख दो। हमारा काम कंप्लीट भाई, ज़्यादातर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये बक्सा बन जाएगा एक बक्सा। ये लो भाई, चलो इसको लगा देते हैं यहाँ बीच में, शायद से इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अब आसपास की फसलों को जल्दी जल्दी बड़ा करेगा और शायद से इसको भी बड़ा कर दे। नहीं इसको नहीं करेगा ना, ये यूनिक क्रॉप्स है, इसको उगाने का तरीका अलग होता है भाई। अरे भाई एक मशीन और रह गई है हमारी जो कि ये वाली, यह है आइटम रूटर, ट्रांसपोर्ट योर स्टफ विथ स्टाइल। ठीक है यार, एक रेडस्टोन पेपर और गोल्ड नगेट्स। अब बनाते हैं ये वाली चीज़ भाई और ये वाली मशीन। ये लो भाई, ये है आइटम रूटर और हमारा हो गया है टास्क पूरा। इसको चेक करना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। ओके इसमें अपग्रेड वगैरह डाल के वो समझ गए आइटम रूटर क्या है, रूट देता है आइटम को। ठीक है यार, तो हमारे 2 टास्क पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। और ये काम मैं अगली बार करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को अब ये बनाना है ब्लड इन्फ्यूज़र वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरी रह गई थी, जिसके लिए मैंने एक ये बना रखा था ना, ये चीज़ ऑब्सिडियन स्कल पिछली बार बना के छोड़ा था, तो ये सारी चीज़ें बनने वाली है। तब तक वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए मिलने नहीं गेम एपिसोड में।